हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं यहां पर वन प्लस नॉर्ड स्मार्टफोन के यूजर्स के लिए नया ऑक्सीजन ओएस का अपडेट आ गया है। इससे पिछला जो अपडेट था वो यहां पर 10.5.9 आपको देखने को मिल जाता है। तो मैं यहां पर अपने डिवाइस को अपडेट करा लेता हूं। तो जैसा कि अपडेट करा लेने के बाद में ये मेरे डिवाइस का जो नया अपडेट है वो यहाँ पर 10.5.10 देखने को मिल जाता है। तो ये अपडेट अब सभी यूजर्स के लिए निकल कर आ गया है। यहाँ पर कुछ यूजर्स को हो सकता है दो एक दिन के बाद देखने को मिले, क्योंकि यहाँ पर डिवाइस ज़्यादा होने के कारण फेसेस में अपडेट दिया जाता है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ सकता है। इसमें क्या कुछ नया देखने को मिल जाता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ चेंज लॉक के जरिए। साथ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पर नई आई हुई हैं परंतु चेंज लॉक में मेंशन नहीं की गई हैं, तो वो सब कुछ जानकारी मैं आपको अपनी इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करें आपसे चेंज लॉक के बारे में क्या कुछ नया देखने को मिल जाता है। तो ऑक्सीजन ओएस 10.5.10 के नाम से ये अपडेट आपको अवेलेबल देखने को मिल जाता है सिस्टम के अंदर अपडेटेड एंड्रॉइड सिक्योरिटी पेज 2012। तो यहाँ पर आपको दिसंबर मंथ का नया एंड्रॉइड सिक्योरिटी पेज लेवल देखने को मिल जाता है, जिसे आप यहाँ पर टैप करते हुए एंड्रॉइड वर्जन पर टैप करते हुए देख भी सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पर GMS पैक को अपडेट किया गया है 1 अक्टूबर का देखने को मिल जाता है इसमें, परंतु चेंज लॉक में जो मेंशन किया गया है वो यहाँ पर 1 अगस्त का मेंशन किया गया है लगभग का, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने जो मेंशन किया है वो इन्हें पता नहीं है कि गूगल ने अपडेट कर दिया है अपना GMS पैक। तो यहाँ पर हम लोगों को जो GMS पैक का अपडेट आता है वो गूगल की तरफ से आता है, ना कि वन प्लस की तरफ से। तो इस कारण से यहाँ पर इन्होंने चेंज लॉक में मेंशन करना भूल गए हैं। इसी के साथ जनरल बग फिक्सेस एंड इम्प्रूव्स स्टेबिलिटी, तो यहाँ पर हर बार की तरह कुछ बग होते हैं जिनको यहाँ पर फिक्स किया गया है और सिस्टम में स्टेबिलिटी लाई गई है। इसी के साथ वन प्लस स्टोर नाम का एप्लीकेशन अब आपको यहाँ पर अवेलेबल देखने को मिल जाता है। इसके चेंज लॉक के बारे में यहाँ पर मेंशन किया गया है एन इंटीट्यूटिव एंड कन्वीनिएंट वे टू मैनेज योर वन प्लस अकाउंट, गेट इजी टू एक्सेस सपोर्ट, डिस्कवर एक्साइटिंग मेंबर्स ओनली बेनिफिट्स एंड सो फॉर वन प्लस प्रोडक्ट्स, प्लीज़ नोट दैट इट कैन बी अनइंस्टॉल। यहाँ पर ये एप्लीकेशन जो आपको देखने को मिलता है वन प्लस स्टोर का, उससे आप चाहें तो यहाँ पर अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। साथ में इस पर आपको वन प्लस से जुड़े हुए सभी प्रोडक्ट अवेलेबल देखने को मिल जाएंगे। साथ में उन्हें आप बाय करना चाहें तो सब कुछ जानकारी इस एप्लीकेशन के द्वारा अब आपको अवेलेबल होगी। साथ में अगर आप इसे अनइंस्टॉल भी कर देते हैं तो आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाता है अनइंस्टॉल करने का, और इसे वापस से अगर पाना चाहते हैं तो आप गूगल प्ले स्टोर पर जा करके आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पर अनइंस्टॉल भी कर दिया है, तो आप उसे प्ले स्टोर पर जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको इसमें अवेलेबल देखने को मिल जाती है। इसी के साथ अब मैं आपसे बात करूं क्या कुछ नया देखने को मिल जाता है इस अपडेट में, जो कि यहाँ पर चेंज लॉक में मेंशन नहीं किया गया है। तो आप अगर बैटरी में जाएंगे तो यहाँ पर आपको नियर बाय चार्जिंग स्टेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इसे आप यहाँ से इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। इस पर आप टैप करते हुए जैसे ही आपको यहाँ पर जाना होगा कहीं पर भी बाहर, तो वहाँ पर अगर वन प्लस का पावर स्टेशन है तो आप वहाँ से अपने डिवाइस को चार्ज कर पाएंगे। ऐसा कुछ इन्होंने यहाँ पर फीचर दिया है। तो फिलहाल में ये फीचर्स एयरपोर्ट जैसी जगहों पर यहाँ पर अवेलेबल है। और इसी के साथ आपसे बात करूँ वाईफाई एंड नेटवर्क के अंदर यहाँ पर वन प्लस रोमिंग नाम का ऑप्शन आपको अवेलेबल देखने को मिलता है। तो यहाँ पर इंडिया में तो मैं समझता हूँ कोई भी इसकी आवश्यकता नहीं है, तो इस एप्लीकेशन को यहाँ पर डिसेबल की जगह डायरेक्ट डिलीट करने का ऑप्शन हम लोगों को प्रोवाइड होना चाहिए। तो यही कुछ अपडेट यहाँ पर निकल कर आता है वन प्लस की तरफ से, और कोई खास जानकारी देखने को नहीं मिलती है वन प्लस नॉर्ड को लेकर के। इसी के साथ अगर आपको ये अपडेट नहीं आया है तो इसके लिए मैं लिंक दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप रोम को डाउनलोड करके मैनुअली अपडेट कराना चाहें तो आपको यहाँ पर सिस्टम पर टैप करना होगा कुछ इस तरीके से, और नीचे की तरफ सिस्टम पर जाते हुए सिस्टम अपडेट पर टैप करते हुए लोकल अपडेट के द्वारा अपडेट करा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की यह मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। इसके लिए आप हमारी वीडियो पर लाइक और कमेंट करना ना भूलें, साथ में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, क्योंकि मैं रोजाना ऐसी ही वीडियो लाता रहता हूँ। तो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।